तो लेट गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y53 डिवाइस के अंदर आप बैटरी परसेंटेज को शो कैसे कर सकते हैं। यू नो गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं, अभी हमारे पास फिलहाल यहां पर बैटरी आइकन शो दिख रही है, बट ये कितनी चार्जर है इसे हमें एक्चुअल चेक करने के लिए जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सो हम इस सेटिंग्स को करेंगे यहाँ से, इसमें आप क्लिक करेंगे एक बार। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको ओपन करते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि जो भी बैटरी के ऑप्शंस होते हैं लाइक बैटरी परसेंटेज, इवन बैटरी सेवर वगैरह, वो जो है आपको बैटरी वाले ऑप्शंस के अंदर मिलते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होता, आपको इससे ऑन करने के लिए जस्ट आपको बैटरी के बजाय स्टेटस बार है, नोटिफिकेशन है, जो सेटिंग्स आप इसे क्लिक करेंगे। हालांकि मेरा भी फ़ोन वीवो का Y53 है, सो आपको सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम मिल जाती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली आप सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा स्टेटस बार है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना एक बार। अभी आप देखेंगे डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड जो हमने ऑन करके रखा है, अब आप उसके जस्ट नीचे देखेंगे सेकेंड नंबर पे बैटरी परसेंटेज, इस वाली सेटिंग्स ये हमारी ऑफ है फिलहाल, इसको हम ऑन करेंगे। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, तो अभी आप देख सकते हो 63% हमारी जो बैटरी है करंट, इसका लेवल जो है 63% है और ये इतनी चार्ज है और इसको हम देख सकते हैं यहाँ से इजीली। और गाइस, ये काफ़ी इजी ऑप्शन था, हालांकि काफ़ी लोग कम इसको यूज़ करना जानते हैं एंड ओपन नहीं कर पाते। तो डोंट वरी गाइस, आप जब भी जो भी कोई सेटिंग्स, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो उसे आप कॉमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियोज़ के जरिए आपको बता दूंगा कैसे आपको उस सेटिंग्स का एक्चुअल यूज़ करना है। हालांकि आप बैटरी परसेंटेज ऑन करना जान गए होंगे, अगर ये ऑफ है तो बस एक सिंगल क्लिक करेंगे और ये ऑन हो जाएगा और आपको बैटरी परसेंटेज कितनी है वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। सो उम्मीद है गाइस आप समझ गए होंगे इसे कैसे ऑन करना है। हालांकि और भी नीचे सेटिंग्स है, डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, अगर आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो करनी है उसे आप शो कर सकते हैं। इवन आइकन ब्यूटी फंक्शन का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे डिस्प्ले डाटा यूजर्स का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कितने डाटा यूज़ कर रहे हैं देख सकते हो। हमारे यहाँ पर सिम वन की बात करें तो टूडे का अभी 21 KBPS यूज़ हुआ है, हालांकि मंथली में ज़्यादा हमने यूज़ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं गाइज आपको सारी सेटिंग्स अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो करके अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। हालांकि गाइज इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारी आर्टिकल्स पड़ी हुई है, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह रीड करके इसको करना चाहते हैं तो आप भी उसे भी रीड करके इजिली कर सकते हैं। सो बस गाइज यही थी आज की वीडियो, होपफुली आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कॉमेंट करना ना भूलें एंड हो सके चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।